हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया डॉट कॉम। आज हम मैट्रिक कोड 247 की असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू असाइनमेंट। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया डॉट कॉम से मैट्रिक सेक्शन में आके असाइनमेंट 247 पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखें, पहला क्वेश्चन है लोगार्थम के जदवल की मदद से हल कीजिए। ठीक है, ये आपने लॉग टेबल यूज़ करना है। सवाल नंबर 2 है, ये बे पार्ट है। एच फाइंड आउट करना है आई आर टी डिवाइड बाई 4/2। टी, आई और आर की वैल्यू दी गई है, वैल्यूज पुट करें और जवाब निकाल लें। बाद में इसका लॉग लें, लॉग लेके इसका एच फाइंड आउट कर लें। ऐसे ज़रबी सिलसिले की 13वीं रकम क्या होगी जिसमें 7वीं रकम 25 और मुश्तरक 3 है। ठीक है, नंबर 3 सवाल दिया है यहाँ पे। अगर ये हो, यू ये हो, बी ये हो तो कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन का बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालना है। ए लिखो, बी लिखो, लिखने के बाद उसका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन जवाब आ गया, यू में से इंटरसेक्शन जो जवाब आया उसको माइनस कर दो तो आपके पास टोटल जवाब आ जाएगा। वो टोटल जवाब आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए कर लें। यू माइनस ए करने के बाद आप ऐसा करें, ए कम्प्लीमेंट पहले लिखा दें, यू में से ए माइनस कर दें, फिर यू में से बी माइनस कर दें, फिर दोनों जवाब आए उनका यूनियन ले लें तो आपका टोटल जवाब आ जाएगा। अगर एक्स ये हो और वाई ये हो, चार सनाई रबत लिखें तो एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की वैल्यू लिखी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। टू से पहले 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 8 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से 8 को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से 3 को, 7 से 6 को, 7 से 8 को। अब इसकी डोमेन और रेंज लेनी है। पहले 2 स्नाई रब की डोमेन रेंज ले ली, फिर 3 की ले ली, फिर 4 की ले ली, फिर आखिरी यहाँ से ऑनवर्ड 4 की ले ली, 5 की ले ली। इस तरह रेंजेस निकालनी है 4। रिजल्ट ग्राफ खींचे। अब ग्राफ कैसे बनाना है, ये वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू 7x - 5। इसमें x की और y की वैल्यूज है, x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, ये देखो 3 पुट किया तो ये आ गया। x की वैल्यू तो आपको गिवन होगी, y की गिवन नहीं है, तो y की आपने खुद निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड ग्राफ है 3y = x + 8। ये भी ऐसे ही इन्होंने x की वैल्यू को पुट करके निकाला हुआ। अब इसमें किया क्या, 3y 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू पुट की और y निकाल ली। y निकालने के बाद इसमें आपका आंसर आ गया और आंसर आने के बाद यहाँ पे आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसके बाद अगर आप देखें चौथे में 9y = अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 9 3 27 हो गया ना, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ग्राफ ड्रा कर देंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 15, 25 और 45 का हार्मोनिक औसत मालूम करें। अब हार्मोनिक औसत मालूम करने का फार्मूला है n ओवर समीशन 1/x। 1/x नहीं है तो 1/x निकाल लो। 1/x निकालने के बाद ये x है, इसको 1 से डिवाइड करते रहो, जवाब आ जाए, जवाब को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद इधर लिखो और 3 टोटल नंबर 1, 2, 3 है तो 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर कर दो और जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है जी ज़रबी औसत मालूम करनी है, ये भी यही है। ठीक है, इसमें भी हार्मोनिक मीन ही मालूम किया हुआ है और ये टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, 1/x निकाल के पुट कर दिया। अब इसमें क्या चीज़ सही है या नहीं सही, ये तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ तो मैं इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता। तो काइंडली आप ज़रा इसको कर लीजिएगा, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ज़रा प्रोवाइड कर दिया कि जितना मुझे समझ है उसके मुताबिक। अच्छा स्टूडेंट, तो कोर्स कोड 247 जो है वो आपका यहाँ पे असाइनमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है, ये बटन है। आप हमें ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारी मुलाकात ऑनलाइन रहेगी ताकि आप नई आपको आने वाली नई मिलने वाली नई असाइनमेंट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।